हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है मांशु, आप देख रहे हो कॉरोज इफेक्ट। लेट्स टॉक सिनेमा। पार्ट वन में हमने बात करी थी नेटफ्लिक्स की, पार्ट टू में हमने बात करी अमेज़न की, एंड पार्ट थ्री में हम लोग बात करने वाले हैं हॉटस्टार स्पेशल्स की। तो हॉटस्टार स्पेशल्स टोटल 5 सीरीज लाया है हॉटस्टार स्पेशल हिंदी में, उसमें से टॉप 3 मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर थर्ड नंबर पे है होस्टेजेस। ये इंग्लिश टीवी सीरीज से हूबहू कॉपी है, एपिसोड बाय एपिसोड, सीन बाय सीन थोड़े बहुत चेंजेस हैं, एंड स्क्रीन प्ले भी सेम है, स्टोरी भी एग्जैक्ट सेम है, इसे बस हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। 10 एपिसोड हैं 45 मिनट्स के, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है रौनित रॉय का, फिर है प्रियंका चोपड़ा, परवीन दावस, अशीन गुलाटी, दिलीप ताहिल, और डायरेक्टर है सुधीर मिश्रा। होस्टेजेस थोड़ा बोरिंग है, इसे आप इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, मुझे इतना ज़्यादा जमा नहीं। एक तो 10 एपिसोड बहुत टायरसम थे, इसे अगर 6 एपिसोड में ख़त्म कर दिया होता या 7 एपिसोड में ख़त्म कर दिया होता तो ये बेहतर होता। दूसरा है क्रिमिनल जस्टिस, ये भी एक ब्रिटिश टीवी सीरीज से कॉपी किया गया है, वैसे ऑफिशियल राइट्स खरीदे गए हैं तो एक ही बात है। अब इसमें 10 एपिसोड है 50-50 मिनट के, एंड मेन एक्टर हैं विक्रांत मैसे, पंकज त्रिपाठी, जैकी श्रॉफ, दिव्येंदु भट्टाचार्य जो सेलेक्शन डे में भी थे, अनुप्रिया गोयनका एंड रुचा इनामदार। इसे डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया एंड विशाल फूरिया ने। अच्छा है लेकिन वो एपिसोड बाय एपिसोड एक जो कनेक्शन होना चाहिए वो कहीं मिसिंग था, कुछ एपिसोड्स कनेक्टेड थे और कुछ नहीं थे। पंकज त्रिपाठी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एंड उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, उनका कैरेक्टर ग्रो होता है, विक्रांत मासे का भी कैरेक्टर ग्रो होता है, जो ग्रो कैरेक्टर होते हैं ना वो वेब सीरीज या वो मूवी बहुत अच्छी लगती है देखने में। नंबर वन पे है सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये मैं फर्स्ट नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि बाकी दो ब्रिटिश टीवी से इंस्पायर थी, तो मैं ओरिजिनल कंटेंट को हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ, इसलिए सिटी ऑफ ड्रीम्स यहाँ है। एंड इसकी स्टोरी बेहतर है, ये भी 10 एपिसोड का है, 45 मिनट्स के एपिसोड्स हैं, थोड़ा एडल्ट कंटेंट है इसमें, बट ओवरऑल अगर देखा जाए स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले वाइज आई थिंक हॉटस्टार स्पेशल का ये नंबर वन बना रहेगा, बहुत सारी वेब सीरीज आ जाए उसके बाद भी हॉटस्टार पर। सबसे मेन कैरेक्टर हैं प्रिया बापट का, एजाज खान का, सिद्धार्थ चांदेकर, अतुल कुलकर्णी, संदीप कुलकर्णी एंड सचिन। मोस्टली इन्होंने एक्टर्स लिए हैं वो मराठी एक्टर्स हैं, तो सिटी ऑफ ड्रीम्स भी मुंबई पे बेस्ड है एंड मराठी एक्टर्स को लेके उन्होंने बहुत अच्छा इंटेलिजेंट काम किया है यहाँ पे। डायरेक्टर हैं नागेश कुकनूर एंड उन्होंने अपना डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया है, एडिटिंग अच्छी है। ये है कि एपिसोड बाय एपिसोड कनेक्ट करने में थोड़ा कम है, जो हर हॉटस्टार स्पेशल की दिक्कत है वो हर एपिसोड को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एक जैसे सीक्रेट गेम्स मिर्ज़ापुर ये ऐसे थे कि अगला एपिसोड देखने का मन अपने आप हो जाता है जैसे ही एपिसोड ख़त्म होता है। तो हॉटस्टार के बारे में जो भी था यही था। इसके अलावा दो और हॉटस्टार स्पेशल्स हैं, एक तो है ऑफिस एंड दूसरा है रोर ऑफ द लायन। रोर ऑफ द लायन भी बहुत अच्छी है, इंस्पायरिंग है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री टाइप है एंड ऑफिस बहुत ही बकवास है। तो बस यही था पार्ट 3 हॉटस्टार के ऊपर। इसके अलावा Z5 पे भी हैं, लेकिन Z5 की मैंने मेंबरशिप अभी ली है तो मैंने सिर्फ द फाइनल कॉल देखा है एंड वो ठीक ठाक था। उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बाद में बनाऊंगा, उसका एक अलग पार्ट ले आएंगे हम लोग, इस पार्ट को कंटिन्यू कर लेंगे वहाँ पर जब Z5 पे हम जाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही, अगले पार्ट तक वेट करना। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फैमिली को दिखाना, अपने फ्रेंड्स को समझाना। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।